नमस्कार, आज हम सुनने वाले हैं एक कहानी जिसका नाम है गजपति कुलपति भाग एक। यह कहानी सुनने से बच्चे नए शब्द सीखेंगे और कहानी से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है गजपति कुलपति। गजपति कुलपति एक हाथी का नाम है। वो हाथी बहुत ही प्यारा था, गांव में सबका लाडला था, सब उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन वो रात में बरसात में भीग जाता है और उसे सुबह सर्दी हो जाती है। अब हाथी की सूंड बड़ी होती है, उसका नोज बड़ा होता है तो उसको बड़ी सर्दी होती है। हमारा नाक छोटा है तो हमें छोटी सर्दी होती है। वो गांव में जब सुबह घूमने निकलता है तो उसे उसका केले वाला दोस्त मिलता है। वो दोस्त उसे कहता है, गजपति कुलपति ये लो केले खाओ। गजपति कुलपति जब केले खाने के लिए मुंह खोलता है, उसे बहुत जोर से छींक आती है, बहुत बड़ी छींक आती है। केले वाले के सारे केले उड़ जाते हैं पोस्टमैन अंकल के ऊपर। पोस्टमैन अंकल जाकर टकराता है गाय को। गजपति कुलपति को बहुत बुरा लगता है। सारे दोस्त वापस गजपति कुलपति के पास आते हैं, बोलते हैं, गजपति कुलपति मैं तो बहुत सर्दी है। गजपति कुलपति को बुरा लगता है, इसीलिए वो सॉरी कहने के लिए दोबारा अपना मुंह खोलता है। सारे दोस्त भाग जाते हैं, केले वाला दोस्त भाग जाता है, पोस्टमैन अंकल भाग जाते हैं, गाय भी भाग जाती है। गजपति कुलपति को बहुत बुरा लगता है। वो एक दीवार के पीछे जाके बैठ जाता है। आगे की कहानी सुननी है लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी। आधी कहानी हम बाद में सुनेंगे। सबसे पहले आप मुझे इन सवालों का जवाब दीजिए। गजपति कुलपति नाम किसका है? गजपति कुलपति का दोस्त क्या बेचता है? और गजपति कुलपति को सर्दी क्यों होती है? जल्दी जल्दी सवालों का जवाब दीजिए, फोटोज लीजिए, वीडियो लीजिए। और हाँ, कार्य को पूरा करने के बाद बच्चों के कार्य की तस्वीर या वीडियो ग्रुप पर भेजें।